के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हमारे कांगड़ा का एक जवान जो जनरल रावत जी के साथ थे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है और हमने श्रद्धांजलि दी है। विवेक कुमार लास्ट था, और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में, कांगड़ा में शोक की लहर है। और मैं परिवार के लोगों से इस दुख को सहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति दे। जहाँ तक उनका सेना में काम करते हुए 28 साल की उम्र में इस प्रकार से चले जाना, ये स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए तो सदमा है ही, लेकिन सभी प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ये एक दुख का पल है। हमने सरकार की ओर से जो परिवार के लिए एक व्यवस्था होती है उसके मुताबिक जो है 5 लाख रुपए पहले दिया, और इसके अतिरिक्त मैं अपनी ओर से भी 5 लाख रुपए परिवार को सहयोग की दृष्टि से अपनी ऐच्छिक निधि में से देने की घोषणा करता हूँ। और परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, और आने वाले समय में परिवार को किस रूप में हम मदद कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज ये बहुत ही दुख का ये पल है जहाँ विवेक कुमार जो लास्ट नायक थे और जनरल के साथ हमारे उस घटना में वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ और संवेदना व्यक्त करते हुए जहाँ जनरल रावत जी को हमने पिछले कल विधानसभा में श्रद्धांजलि दी, वहाँ हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त जो 13 लोग और जिनकी इस घटना में मृत्यु हुई है, तो उन सबके प्रति हमने श्रद्धांजलि पिछले कल विधानसभा के माध्यम से भी दी है। सर, लास्ट नाइट विवेक कुमार परिवार में अकेले कमाने वाले थे, उनके लिए परिवार के लिए रोजगार, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने कहा कि हमने 5 लाख रुपए की पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमने 5 लाख रुपए में और दे रहा हूँ। उसके अतिरिक्त परिवार को जिस तरह की मदद होगी, हम परिवार के साथ बैठ करके, अब क्योंकि इस वक्त बात करना उचित नहीं होगा, बाद में सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे क्या मदद कर सकते। ब्रदर सुमित है, इज अनएम्प्लॉयड, और लास्ट ब्रदर यही थे जो विवेक जी थे, तो सरकारी नौकरी के लिए उन सारी चीज़ों को लेकर के हम सारा वो देख लेंगे क्या मदद कर सकते।